नमस्कार न्यूज ऑन एशन देख रहे हैं आप मैं हूं आपके साथ रश्मि इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और उनके साथ ही साथ ही चार मंत्री भी पॉजिटिव पाए गए हैं तो जहां एक तरफ लगातार बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं तो उस बीच अब रेणु देवी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है बता दें कि उप मुख्यमंत्री रेणु देवी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है उनके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट के तीन अन मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक से पहले इन सभी की मंगलवार को ही आरटीपीसीआर जांच की गई थी सूत्रों की माने तो इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है कोविड 19 पॉजिटिव पाए गए मंत्रियों में सुनील कुमार भी शामिल है बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस से फैलने के कारण संक्रमण की चपेट में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं इसे देखते हुए नीतीश सरकार ने भी कई तरह की पाबंदियां लगा दी है लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें उप मुख्यमंत्री रेणु देवी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है बता दें कि रेणु देवी ने पहले आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया था जिसमें उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है इससे पहले जतन राम मांझी के परिवार के लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए जिसके बाद ललन सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अब रेणु देवी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और उनके साथ ही साथ तीन अन्य मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो लगातार बिहार में कोरोना मरीजों की जो संख्या है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है लेकिन सबके बीच अगर हम बात करें तो सीएम नीतीश कुमार पहले से ही इसको लेकर सचेत नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि बिहार में नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी उनकी तरफ से किया गया है रात के दस बजे से लेकर सुबह पांच

और सचेत नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि कई अहम फैसले और कदम उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं लेकिन बात अगर करें तो देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या में अचानक से ही ये जो इजाफा है वो देखने को मिल रहा है कई ऐसे राज्य हैं जहां पे लॉकडाउन लगाया गया है कर्फ्यू लगाया गया है तो उस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से भी अहम जो कदम है वो उठाए गए और बिहार में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान उनकी तरफ से लिया गया लेकिन सबके बीच अगर हम बात करें तो बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है उन्होंने पहले अपना टेस्ट करवाया था जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो बड़ी खबर इस वक्त बिहार से सामने आ रही है जहां पर रेणु देवी के साथ ही साथ तीन अन्य मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं फिलहाल के इतना ही ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ नमस्कार